हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता दर, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम पहले क्या, पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब है। यहां पे पहले हम क्या लिखेंगे, राज्य। उसके नीचे लिखेंगे राजधानी, ठीक है, राज्य हो गया, राजधानी हो गया। उसके आगे हम लिख देते हैं क्षेत्रफल, जनसंख्या। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या, पुरुष का जनसंख्या। इधर लिखते हैं महिला की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या। यहाँ पे लिखेंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात। यहाँ पे लिखेंगे विधान, विधानसभा में, विधानसभा में सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में, विधान परिषद में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या। और यहाँ पे आपका ये सब हो गया। अब यहाँ पे कुल साक्षरता दर, यहाँ पे लिखते हैं कुल साक्षरता दर। यहाँ पे पुरुष का साक्षरता दर, महिला का साक्षरता दर, ठीक है। यहाँ पे और एक कुछ छूट गया है, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे लिख लेते हैं हम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या हो गया है कुल जनसंख्या, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व छूट गया है। यहाँ पे लिख देते हैं जनसंख्या घनत्व, और यहाँ पे अब क्या होगा आपका, क्षेत्रफल। चलिए हम ये सब जानते हैं। चलिए पहले जानेंगे राज्य कौन सा है, पंजाब है। कौन सा राज्य है? पंजाब है। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़। कहाँ पे है? चंडीगढ़। और क्षेत्रफल कितना है? तो पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 50,362 किलोमीटर। कितना है? 50,362 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 551 व्यक्ति
551 व्यक्ति प्रति प्रति वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। यहां पे आपसे बोला गया कि जनसंख्या, तो पंजाब की जनसंख्या कितनी है, 2.77 करोड़। कितना है मतलब 2.77 करोड़। चलिए उसके आगे देखते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष का जनसंख्या पंजाब में कितना है, 1.6 करोड़। और यहां पे पूछा गया है महिला की जनसंख्या कितनी है, तो वो है आपके 1.31 करोड़। ठीक है, उसके आगे आपसे पूछा गया कि लिंग अनुपात, क्या पूछा गया है लिंग अनुपात कितना है, तो 8,895 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 895 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, प्रति हजार पुरुष। ठीक है, उसके आगे आपसे बोला गया कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या, विधानसभा में विधानमंडल, पहले हम लिखे थे विधानमंडल, छूट गया है, यहां पे लिख देते हैं विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है, तो यहां पे पहले देखेंगे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 117 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, विधान परिषद में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 13। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यहां पे लिख देते हैं राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो है 7। कितना है, 7 है। उसके आगे आपसे बोला गया है कुल साक्षरता दर, पंजाब में कुल साक्षरता दर कितने हैं, 75.8%। कितना, 75.8%। पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो वो है 80.4%, 80.4%। और महिला की साक्षरता दर कितना है, तो है 70.7%, 70.7%। उसके आगे आपका विधानमंडल, तो विधानमंडल में, विधानमंडल को क्या कहा जाता है, एक सदनात्मक। चलिए अब उसके आगे देखते हैं हम उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहाँ है, यहां पे लिखते हैं उच्च न्यायालय कहाँ है, ये तो है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। ठीक है, उसके आगे आपका किस सीमा, मतलब पंजाब की सीमा, यहां पे लिखते हैं सीमाएं, मतलब किस किस राज्य से या किस देश से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो सीमाएं है, तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर में क्या है, उत्तर में जम्मू कश्मीर। और उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में है आपका हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में क्या है आपका, दक्षिण में क्या है, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में है हरियाणा एवं राजस्थान, दक्षिण में क्या है हरियाणा राजस्थान एवं
हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिम में पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। चलिए उसके आगे आइए। उसके आगे आपसे बोला गया है क्या, वहां का झील। पहले देखते हैं पर्वत। पर्वत, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन से पर्वत हैं? तो पीर पंजाल, पीर पंजाल, धैलाधर, पीर पंजाल, धैराधल। क्या है? पीर पंजाल, धैराधल तथा शिवालिक श्रेणिया, तथा शिवालिक श्रेणिया, श्रेणिया, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे बोला गया कि नदी, मतलब नदियां, पंजाब की नदियां। तो पंजाब की नदियां कौन कौन सी है? तो है सिंधु, रावी, व्यास। सिंधु, रावी, व्यास और है, सिंधु हो गया, रावी, व्यास और सतलज, सेलम। सतलज, सेलम और भी है नहीं। चलिए उसके आगे देखते हैं। अब झील, मतलब पंजाब की झील। तो पंजाब में कौन कौन से झील हैं? तो वो है हरी की पतन झील, हरी की पतन झील, और ये कहाँ पे है? तो ये अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। उसके आगे है आपका कि वन क्षेत्र। पंजाब का वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र, तो पंजाब का वन क्षेत्र है 284,237 हेक्टेयर, 237 हेक्टेयर। कितना है? 284,237 हेक्टेयर वन क्षेत्र हो गया। और वहां के प्रमुख नगर क्या है? प्रमुख नगर, प्रमुख नगर तो प्रमुख नगर क्या है? प्रमुख नगर है लुधियाना, पटियाला, भंडिका। लुधियाना, पटियाला और भंडिका, लुधियाना, पटियाला, लुधियाना, पटियाला और भंडिका, पटियाला और भंडिका, भंडिका। चलिए उसके आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पंजाब का कृषि क्षेत्र। तो वहां के कृषि क्षेत्र कितने हैं? तो है 84% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि। कितना? 84% लोगों का मुख्य व्यवसाय। चलिए उसके आगे देखते हैं। मुख्य फसल, पंजाब की मुख्य फसल क्या है? मुख्य फसल, तो पंजाब की मुख्य फसल क्या है? तो यह है गेहूं। क्या है? गेहूं गेहूं और चावल, गेहूं और चावल है, गेहूं और चावल।
और उसके आगे आपसे क्या बोला गया, बोला गया कि विश्वविद्यालय, पंजाब के जो विश्वविद्यालय है उस विद्यालय का क्या नाम है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पंजाब के विश्वविद्यालय का नाम है गुरु नानक, गुरु नानक विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब, विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब, क्या है अमृतसर पंजाब, और इसमें क्या लिखा गया है कि गुरु नानक अमृतसर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम देखते हैं कि कला एवं संस्कृति, पंजाब की कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, संस्कृति, ठीक है। तो पंजाब की कला एवं संस्कृति क्या है, तो पंजाब की कला एवं संस्कृति है भंगड़ा पुरुषों का लोक, भंगड़ा, भंगड़ा पुरुषों, पुरुषों का लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है। तो आज का ये आपका पंजाब का भी जितना हिस्ट्री है सब बता दिया है, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।